गुड इवनिंग एवरीबॉडी. बच्चे इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टार्टेड अप विद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. उसमें बच्चे हमने टॉपिक पिक किया था डिस्पर्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. सो वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट. सो टुडे बच्चे विल बी मूविंग अहेड. हम उससे जो आगे वाला पोर्शन है एनसीईआरटी की बुक में हमारा जो सिलेबस है उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे. सो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमना जिसके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन एंड वी विल बी लुकिंग एट देयर फॉर्मेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस. सो बच्चे सबसे पहले व्हेन यू टॉक अबाउट एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन आई एम गोइंग टू फर्स्ट डिफाइन इट. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब बच्चे वी नो दैट ऑल अराउंड अस वी हैव अ एनवेलप ऑफ एयर जिसको हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर. सो बच्चे एटमॉस्फेयर इज एयर. यू कैन से द एनवेलप ऑफ एयर. द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अस. द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेयर. अब बच्चे व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस द एटमॉस्फेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सच एज गैसेस हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 एटसेट्रा. ये जो एटमॉस्फेयर है बच्चे इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर है ओके गैसेस हैं एटसेट्रा. अब अच्छे व्हाट वी नीड टू पुट इन द कॉन्सेप्ट और लर्न द कॉन्सेप्ट इज एज वी प्रोसीड फ्रॉम वन लेयर टू अनदर. जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो बच्चे डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो क्या होती है इट डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीज होती है बच्चे जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे ग्रेविटी कम होगी. सो द लेयर्स of atmosphere which surround us they will vary in density. और बच्चे ये जो atmosphere है इसकी जो density है वो constant नहीं है. It keeps on continuously changing. अब बच्चे ये continuously क्यों change हो रही है why it is continuously changing इसके पीछे क्या reason है. क्योंकि बच्चे outer space के अंदर ऐसी बहुत सारी conditions हैं जिनको हम control नहीं कर सकते. There is temperature, there is atmospheric pressure and so on. तो बच्चे ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो लगातार चेंज होती है. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन इफ लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू दीज लेयर्स जिनमें ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है बार बार तो उससे क्या होगा लाइट विल सफर रिफ्रैक्शन व्हेन इट रीचेस अस. सो बच्चे दिस बेंडिंग ऑफ लाइट और डिविएशन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमोस्फेयर उसको हम क्या कहते हैं एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन. तो बच्चे दीज लेयर्स ओके The layers of atmosphere exhibit varying densities. इसमें क्या होगा बच्चे densities जो हैं लगातार change होंगी. और ये density क्यों change हो रही है बच्चे these are due to factors which are not under our control. ओके तो डेंसिटी बार बार चेंज होगी. तो बच्चे यू कैन वेरी वेल इमेजिन व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू दीज लेयर्स एज लाइट ट्रेवल्स थ्रू दीज लेयर्स एज लाइट ट्रेवल्स थ्रू दीज लेयर्स What is going to happen? It suffers deviations, which is known as atmospheric refraction. So, बच्चे जैसे simple refraction है. When light moves from one medium to another, there is bending of light. Similarly, in different layers, जब light travel करेगी तो उसके अंदर deviation होगी
जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. दिस फिनोमेना इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ऑलराइट. अब बच्चे दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज समथिंग विच इज नॉट कॉन्स्टेंट. ये बार बार चेंज होगी, कभी ज्यादा कभी कम, क्योंकि लेयर्स की डेंसिटी चेंज होती जा रही है. तो बच्चे इसके साथ एसोसिएटेड बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जो इसमें बच्चे सबसे पहला फिनोमेना है, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. सो द फर्स्ट फिनोमेना दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. आपने बच्चे एक पोएम पढ़ी होगी और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं. ट्विंकलिंग का क्या मतलब है? ट्विंकलिंग का मतलब है कभी ब्राइट हो जाते हैं, कभी डिम होते हैं, और कंटिन्यूअसली ऐसा होता है. सो द फर्स्ट फिनोमेना विच इज एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ऑलराइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. अब बच्चे हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बच्चे आई विल जस्ट गो टू योर एनसीईआरटी बुक, वहां इससे रिलेटेड एक डायग्राम दिया है. आई विल नॉट से कि फिर भी लेट से कि हमें इससे कुछ समझ आएगा. बच्चे हाउ वी हैव टू इमेजिन, हमें कैसे इमेजिन करना है? लेट से वी आर स्टैंडिंग ऑन दी अर्थ, अर्थ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है. और बच्चे ये जो ऑब्जर्वर है, अर्थ के चारों तरफ बच्चे बहुत सारी लेयर्स हैं. ओके, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं अलग अलग. ऑलराइट. सो बच्चे व्हाट इज हैपनिंग इज, इफ आई एम ओके, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा गलत बन गया, मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाना चाहिए. ओके, यहां से बनाता हूं, जस्ट अ मोमेंट. ओके, ऑलराइट, आई विल जस्ट ड्रॉ अ बिगर सर्कल. ओके, दिस इज द सेकंड लेयर लेट्स से, और एक और लेयर आ गई, तो ऐसे बना दी. ओके, ऐसे लेयर्स हैं. थोड़ा सा नीचे वाला सही नहीं बना है, थर्ड वाला. ओके, बट बच्चे यू नीड टू इमेजिन एज द लाइट रेज आर कमिंग, जो बच्चे आउटर लेयर्स हैं, दे आर रेयरर, उनके अंदर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, और जो इनर लेयर्स हैं, दे आर डेंसर. सो बच्चे एज द लाइट रेज कमिंग, द लाइट रेज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल कंटिन्यूअसली. और बच्चे ये जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, लाइट की जो डिविएशन है, बेंडिंग है, वो बार बार चेंज होगी एज इट कम्स टू द ऑब्जर्वर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लाइट की जब बेंडिंग बार बार चेंज होगी तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, स्टार का ट्विंकलिंग इफेक्ट आएगा. सेकेंडली, इसी के साथ एसोसिएटेड दूसरा फीचर क्या है, क्योंकि बच्चे लाइट रे कंटिन्यूसली बेंड हो रही है, तो हमें स्टार जो है बच्चे हमारी लाइन ऑफ साइट में दिखेगा. ये जो लाइट रे आई इस साइट पे, तो दिस वुड बी आर अपेरेंट पोजीशन. आपको स्टार उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हायर दिखेगा, विच इज नोन एज अपेरेंट पोजीशन. ओके, विच इज नोन एज अपेरेंट पोजीशन, द हायर पोजीशन. ऑलराइट, सो दीज आर द टू फिनोमेना विच आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. पहली चीज, क्योंकि जो आउटर लेयर्स हैं, अरहम मैं मून और सन पे भी आऊंगा कि प्लैनेट सन या मून क्यों नहीं ट्विंकल होते, आई विल बी कमिंग टू दैट. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग विद स्टार्स और हाउ इज इट हैपनिंग. ठीक है, तो स्टार्स की जो लाइट आ रही है बच्चे बहुत दूर से आ रही है. पहली चीज, द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज. सेकेंडली, दे आर अपेयरिंग वेरी स्मॉल, दे आर अपेयरिंग पॉइंट साइज, उनका साइज छोटा दिखता है हमें. तो बच्चे जब वो बहुत दूर से लाइट आ रही है तो उसकी जो डिविएशन है बार बार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या दिखता है हमें, ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है. सेकेंडली, अगर हम अपनी लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें स्टार की पोजीशन हमेशा ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर दिखाई देगी. ओके, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ओके, एंड इट इज बेस्ड ऑन एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, लेट्स ट्राई टू नाउ एक्सप्लेन दिस. ओके, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Stars are luminous sources of light. ये आप simply लिख सकते हो, stars are luminous objects. Stars are luminous objects. Okay. Stars क्या हैं? Luminous objects हैं. Luminous का क्या मतलब होता है बच्चे? They have their own light. They appear. They appear point size
टू द ऑब्जर्वर, दे अपीयर पॉइंट साइज टू द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ as they are very far away, as they are very far away from us. बच्चे आई होप आपको ये बात पता होगी कि जो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है वो सन है, हमारा सन. सन इज ऑल्सो लाइक अ स्टार, इट इज कंसिडर्ड द नियरेस्ट. ओके, तो जो बाकी स्टार्स हम स्काई के अंदर देखते हैं बच्चे, उनमें से कुछ स्टार्स तो सन से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, पर बच्चे वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें कैसे अपीयर होते हैं, पॉइंट साइज्ड. दे अपीयर पॉइंट साइज्ड टू द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, एज दे आर वेरी फार अवे, वेरी फार अवे फ्रॉम अस. ऑलराइट, तो बच्चे इसकी वजह से क्या हो रहा है, द लाइट हैज टू ट्रेवल थ्रू मेनी लेयर्स, द लाइट बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर, द लाइट बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर, द लाइट बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर हैज टू पास through various layers of atmosphere with increasing density. बच्चे जो आउटर लेयर्स हैं, जो आउटर लेयर्स हैं वहां डेंसिटी कम होती है, इनर लेयर्स की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा. तो इसका इफेक्ट क्या होता है, आउटर लेयर्स आर रेयरर, इनर लेयर्स आर डेंसर. तो जैसे जैसे लाइट रे अंदर की साइड ट्रेवल करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो लाइट का पाथ है वो बार बार चेंज होगा. दिस रिजल्ट इन, this results in twinkling effect. For the observer. Okay. तो इससे क्या होगा, क्योंकि path बार बार change हो रहा है, light का, उसकी वजह से observer को star कैसे दिखाई देगा, और क्या इफेक्ट है, the apparent position of the star also appears higher. This also results, ये आप लिख सकते हो, this also okay, इसको simple लिख लेते हैं. Due to this effect, due to the same reason, due to the same reason, the apparent position the apparent position of the sun, sorry, just a moment beta,
ओके सो ड्यू टू दिस सेम रीजन the apparent position of the star also appears higher. जो बच्चे स्टार की अपेरेंट पोजिशन है वो उसकी रियल पोजिशन से हायर दिखाई देगी. Also appears higher. ठीक है, इस रीजन की वजह से क्या होता है, जो स्टार की अपेरेंट पोजिशन है वो भी हायर दिखाई देती है. इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया ये फिनोमेना? ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है स्टार का? क्योंकि जो एटमोस्फेरिक लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी चेंज होती है जब लाइट उनसे ट्रेवल कर रही है, और स्टार जो है बच्चे बहुत दूर है, तो बार बार जब पाथ ऑफ लाइट चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है. अब अजय, आई एम कमिंग टू अरहाम्स क्वेश्चन. अरहाम इज सेइंग व्हाई सन और प्लैनेट्स और मून डज नॉट ट्विंकल. तो बच्चे इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. बच्चे सन, या अगर आप मून की बात करते हो, सन मून और अदर प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. Sun, moon or other planets do not twinkle as they are nearer to us. वो हमसे बच्चे पास हैं, ज्यादा दूर नहीं है. मेरा क्या मतलब है कि हमसे ज्यादा दूर नहीं है, when you are comparing stars. बच्चे अगर आप स्टार का डिस्टेंस मेजर करो और सन मून या planets का मेजर करो, तो स्टार्स हमसे बहुत ज्यादा दूर है. Sun, moon or other planets do not twinkle as they are nearer to us compared to stars. All right. तो मुझे what is the effect of this? इसका क्या effect होगा? वो ज्यादा बड़े दिखते हैं, और बच्चे जो twinkling effect है वो बहुत कम हो जाता है. अनेशा सी, यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग, मून एंड प्लैनेट दे आर नॉट ल्यूमिनस. पर बच्चे वो सन की लाइट तो रिफ्लेक्ट करते हैं ना, दे आर नॉट ल्यूमिनस. एग्रीड, मून एंड प्लैनेट दे आर नॉन ल्यूमिनस. ओके, पर बच्चे हमें यहां क्या चीज याद रखनी है, कि आपका जो सन मून और प्लैनेट्स हैं उनका साइज बहुत बड़ा है. मैं जब कह रहा हूं साइज बड़ा है, मतलब वो हमें दिखते बड़े हैं क्योंकि वो पास है. बच्चे सन से और भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, पर वो हमसे बहुत दूर है इसलिए छोटे दिखाई देते हैं. और क्योंकि बच्चे ये हमें बड़े दिखाई देते हैं और ये हमारे पास हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिविएशन है वो बहुत कम होती है. बिकॉज इट हैज टू ट्रेवल थ्रू लेसर डिस्टेंस. और बच्चे क्योंकि इनका साइज बड़ा है, तो वो जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है ना, वो भी हम परसीव नहीं कर पाते. ठीक है, सो सन मून एंड प्लैनेट्स दे डू नॉट ट्विंकल एज दे आर नियरर टू अस कंपेयर टू स्टार्स. तो बच्चे जो इनकी अंदर रिफ्रैक्शन होगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो बहुत कम हो जाएगी. ओके, सो द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज लेस एंड is not perceived. Bias. क्योंकि बच्चे ये हमारे पास है और इनका साइज भी बड़ा है, तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन कम हो जाता है और हम इनसे परसीव नहीं कर पाते. ठीक है ना. अब क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर हम मैं टेलीस्कोप यूज करूं तो क्या होगा. बच्चे आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इमेज ऑफ सन. जैसे कई बार कभी क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो वो सन को फोकस करके दिखा देते हैं. तो आपने नोटिस किया होगा सन की जो सरफेस है वो हमें ऐसे लगेगी कभी थोड़ी सी फेड हो रही है या ऐसे.
क्योंकि बच्चे वहां हाई रेजोल्यूशन कैमरास यूज हो रहे हैं, है ना। तो अगर बच्चे आप किसी बहुत दूर के स्टार को किसी हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप से देख रहे हो, तो बच्चे टेलीस्कोप के अंदर भी जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, वो भी तो एटमोस्फेयर के थ्रू ही ट्रेवल करके आ रही है ना। तो उसके अंदर भी आपको हो सकता है ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखे, पर उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां आप स्टार को बहुत बड़ा देखोगे। तो अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो बच्चे जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन सन मून और अदर प्लैनेट्स जो हमारे नियर है उनको हम अपने नेकेड आई से देखते हैं। टेलीस्कोप से परसीव कर पाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनका साइज हमें बड़ा दिखेगा। अगर हम उन्हें अपनी आईज से देखेंगे तो वो छोटे दिखेंगे और फिर हमें कंपैरेटिवली उनके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ज्यादा क्लियर दिखेगी। ठीक है, इज इट क्लियर अरहान? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अगर साइज बड़ा दिखेगा तो फिर तो बच्चे परसीव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो बच्चे दिस इज द फर्स्ट फिनोमेना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, एडवांस्ड सनराइज डिलेड सनसेट। एडवांस्ड सनराइज डिलेड सनसेट। अब बच्चे अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमना है। एडवांस सनराइज का क्या मतलब है कि बच्चे हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, सन अभी उसके ऊपर आता भी नहीं है, हमें फिर भी सन दिखाई देने लग जाता है। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एवरी डे सन हमें 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, हमारी लाइन ऑफ साइट से पहले 2 मिनट पहले। एंड डिलेड सनसेट का क्या मतलब है, सन नीचे सन सेट हो जाता है फिर भी हमें 2 मिनट तक ज्यादा दिखता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। अब इसको समझने के लिए बच्चे मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। लेट से दिस इज आर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। अब बच्चे अर्थ के चारों तरफ अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। ओके, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स। लेट से थोड़ा ओवल शेप बन गया है, ऐसे नहीं बनना चाहिए था, सर्कुलर बनना चाहिए। ओके चलो, लेट से यहां मेरा सन है, यहां मेरा सन है। अब अगर बच्चे मैं लाइन बनाऊं, लाइन ऑफ साइट, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। ऑब्वियसली मैं इस लाइन ऑफ साइट पे, ओके मैंने गलत बना दी, थोड़ी सी ऊपर बनाऊंगा। ओके, ये आप यहां खड़े हो जहां मेरी ब्लू लाइन टच हो रही है, तो दिस इज माय लाइन ऑफ साइट। ऑब्वियसली बच्चे अगर लाइन ऑफ साइट से कोई नीचे ऑब्जेक्ट होगा तो आप देख ही नहीं पाओगे। पर बच्चे होता क्या है, एज द लाइट रे ट्रेवल्स टूवर्ड्स द अर्थ, व्हाट इज हैपनिंग, रेयर टू डेंसर, लाइट जो है बेंड करके कहां पहुंचती है, ऑब्जर्वर के पास आ जाती है और आपको सन जो है ऊपर दिखाई देने लग जाता है ऐसे। ओके, डायग्राम इतना अच्छा बना नहीं है, पर आपको ये समझना है कि अभी लाइन ऑफ साइट से सन नीचे ही है, तो लाइट जो है बेंड करके ऑब्जर्वर के पास पहुंच जाती है, तो हम तो अपेरेंट पोजिशन ही देखेंगे, तो हमें सन राइज करता हुआ दिख जाता है 2 मिनट पहले तक। अभी सन हमारी लाइन ऑफ साइट से नीचे ही होता है पर हमें पहले ही दिखने लग जाता है 2 मिनट पहले। तो दिस इज नोन एज एडवांस सनराइज। सेम इज हैपनिंग ड्यूरिंग सनसेट। सनसेट पे सन नीचे चला गया फिर भी 2 मिनट तक हमें ज्यादा दिखाई देगा, दैट इज नोन एज डिलेड सनसेट। ओके, ये डायग्राम बच्चे ठीक से नहीं बनाया, व्हेन आई सेंड दी नोट्स आई विल ट्राई टू रीड्रॉ इट वंस अगेन। ओके, आई विल जस्ट शो इट टू यू इन योर बुक। ओके, ऑल राइट। इस बार थोड़ा सा डायग्राम ढंग का बनाया इन्होंने। यहां देखो, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, यहां ऑब्जर्वर है, ये है मेरी लाइन ऑफ साइट। सन अभी नीचे है देखो, पर सन ऊपर दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लाइट बच्चे ट्रेवल करेगी, इट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और ऑब्जर्वर को जो सन है वो ऊपर दिखाई देगा। इसको कहते हैं एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। चलो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। तो बच्चे व्हाट डू वी मीन बाय एडवांस सनराइज? ओके, इन द मॉर्निंग सन इज विजिबल, द सन बिकम्स विजिबल।
इन द मॉर्निंग द सन बिकम्स विजिबल टू द ऑब्जर्वर टू मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज. बच्चे व्हाट डू आई मीन बाय एक्चुअल सनराइज, कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाइन ऑफ साइट के ऊपर जब रियलिटी में आएगा, पर हमें उससे पहले ही दिखने लग जाता है. इन द मॉर्निंग द सन बिकम्स विजिबल टू द ऑब्जर्वर टू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज. आई होप आपको ये टर्म समझ आए, बिफोर द एक्चुअल सनराइज. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन इट इज अबव, when above the line of sight. Okay, जब actually में उस line of sight के ऊपर आएगा, उससे दो मिनट पहले ही आपको दिखने लग जाता है, उसको हम कहते हैं advanced sunrise. And what is delayed sunset? In the evening. In the evening, the sun remains visible. Visible to the observer two minutes for 2 minutes after actual sunset. Okay, actual sunset के बाद भी observer को 2 मिनट तक sun दिखाई देता है. ओके दीपिका, व्हाट डू आई मीन बाय ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है सन को, आप मैं कोई भी जो सन को देख रहा है. जैसे अगर आप बोलो कि मैं आज सन को सनराइज के टाइम देखना चाहता हूं, तो आप ऑब्जर्वर हो, आप खड़े होकर देख रहे हो, आपको 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाएगा. ऑब्जर्वर का मतलब कौन है बच्चे? जो देख रहा है. दीपिका इज दैट क्लियर? ऑलराइट, कोई भी ऑब्जर्वर, इंसान देख रहा है, कोई भी, जो भी देख रहा है. अब why this is happening? This is related to atmospheric refraction. ये किसकी वजह से है? Atmospheric refraction की वजह से. All right. So what is happening here is, as the light travels. As the light travels from sun towards the earth, जैसे जैसे बच्चे light travel करेगी sun से towards the earth, what is going to happen? It undergoes atmospheric refraction. या आप ऐसे लिख लो, it undergoes deviation. This results in higher apparent position. Of the sun. For the observer. Okay. तो इससे क्या होगा? जो बच्चे अपेरेंट पोजीशन है सन की, वो हायर होगी ऑब्जर्वर के लिए.
ओके, और यही सेम चीज बचे सनसेट के टाइम होगा, दिस सेम कंडीशन अकर्स ड्यूरिंग सनसेट. ऑल राइट, ये सेम कंडीशन बचे कब होगी, सनसेट के टाइम भी होगी. तो बच्चे दिस एक्सप्लेन्स एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ठीक है, यही रीजन है कि जो सन है आपको डेली बेसिस पे सनराइज के टाइम 2 मिनट तक ज्यादा 2 मिनट पहले दिखने लग जाएगा, और सनसेट के टाइम 2 मिनट तक, सनसेट के बाद 2 मिनट तक ज्यादा दिखेगा. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबडी, सबको समझ आ गया ये फिनोमेना. All right. So, these are the two phenomena which are based on which is based on atmospheric refraction. All right. Now, bache, we are going to move on to the last part of the chapter. यहां बचे हम एक और फिनोमेना करने जा रहे हैं विच इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑलराइट. बचे आपने क्लास नाइन्थ में एक इफेक्ट पढ़ा था विच इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. ओके, टिंडल इफेक्ट हम कैसे देखते हैं बच्चे, वेन एवर यू सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम, और उधर उस मीडियम की वजह से जो आपका पाथ ऑफ लाइट है जब विजिबल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. सो बच्चे टिंडल इफेक्ट से ही रिलेटेड लाइट का एक फिनोमेना विच इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक्स डिफरेंट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, तो उससे क्या होगा बच्चे, लाइट का तो जो पाथ है वो चेंज होगा. ओके, और जब उसका पाथ चेंज होगा उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एक्चुअली स्कैटरिंग जो फिनोमेना है हम किस बेसिस पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स विच आर प्रेजेंट इन लाइट. ओके, सो बच्चे वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्विकली डिस्कस व्हाट इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या है, ओके, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म टिंडल इफेक्ट. ओके, हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइड, व्हेनेवर लाइट पासेस थ्रू थ्रू अ कोलॉइडल मिक्सचर, it leads to path of light, it leads to path of light becoming visible. Okay, अब बच्चे ये जो पाथ ऑफ लाइट है जब किसी भी कोलाइडल मिक्सचर के अंदर लाइट पास हो रही है जब वो विजिबल हो जा रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चे जो कोलाइडल मिक्सचर है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, और जो लाइट है, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो इन पार्टिकल्स से जब स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वजह से वो पाथ ऑफ लाइट क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. अब बच्चे टिंडल इफेक्ट के साथ ही एसोसिएटेड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब बच्चे व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, आपके जो लाइट के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं जिनको हम डिफरेंट कलर्स कह रहे हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर, उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं
कलर्स हैं वो बच्चे क्या होते हैं, दे विल बाउंस और दे विल डिविएट फ्रॉम देयर पाथ, तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस फिनोमेना में क्या हो रहा है बच्चे, whenever light strikes any atom molecule dust particle water vapor etc। बच्चे मैं आपको ये सारे इसलिए लिख के बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर के साथ ही होगा जो एटमॉस्फेयर में, इट कैन बी एनी एटम मॉलिक्यूल डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर एटसेट्रा। तो इसमें क्या होगा बच्चे, जब लाइट उसको स्ट्राइक करेगी तो उससे क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन है लाइट की वो चेंज होगी। Of light the path of light will change। Okay, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं scattering of light। आपको यहां बच्चे ये याद रखनी है कि scattering हम किस तरीके से बोल रहे हैं, कि light के अंदर जो अलग अलग components हैं उनके जो पाथ हैं वो डिविएट होंगे। ओके, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ऑलराइट, तो जनरली बच्चे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है, ओके, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है बच्चे, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा कलर या कौन सा कॉम्पोनेंट लाइट का ज्यादा स्कैटर होता है, That is blue। क्योंकि बच्चे हमारे एटमोस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज अप्रोप्रिएट है फॉर ब्लू कलर स्कैटरिंग। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, जैसे वैसे वैसे क्या होगा, हायर जो स्पेक्ट्रम पे कलर्स हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे रेड है, ओके, जो इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो स्कैटर होंगे। तो बच्चे यहां किस चीज पे डिपेंडेंट है, द स्कैटरिंग ऑफ various colors present in light depends on size of particles। ओके, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। ओके, सी माधव, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप स्टार्स की बात कर रहे हो, स्टार्स लाइट ईयर्स की डिस्टेंस में हम मेजर करते हैं। जैसे मान लो अगर आप बोल रहे हो कोई स्टार है जो हमसे 7.5 लाइट ईयर्स दूर है, तो अगर बच्चे उस स्टार से कोई लाइट चलेगी तो आपके पास कितने सालों के बाद आएगी, 7.5 इयर्स। तो एक्चुअली जो हम स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हम क्या कहते हैं, वो इवेंट हो चुका होता है। हम क्या देख रहे हैं, रीप्ले देख रहे हैं एक तरीके से। रीप्ले का क्या मतलब, वो हो चुका है, दोबारा देख रहे हैं। कैसे, अगर मान लो कोई स्टार आपसे 5 लाइट ईयर्स दूर है, उसमें कोई लाइट निकली तो आपके पास कितने टाइम के बाद पहुंचेगी, 5 साल के बाद। अगर कोई बहुत दूर कोई स्टार है जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सप्लोजन आपको कितने सालों के बाद दिखेगा, जितने लाइट ईयर वो दूर है। हमें इस तरीके से समझना है, दिस इज दी व्हाट यू से साइज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का साइज ही इतना बड़ा है और आपसे स्टार बहुत दूर है, इस तरीके से समझना है। इज दैट क्लियर माधव? अगर मान लो स्टार आपसे 7 लाइट ईयर्स दूर है, तो जो लाइट 7 साल पहले निकली होगी वो पहुंचेगी ना आपके पास।
तो अगर 7 साल पहले एक्सप्लोजन हुआ है तो आप तो वो हो चुका है इवेंट, उसको बाद में देख पा रहे हो. दैट इज द ब्यूटी, इस तरीके से समझना है. ओके, सो द स्कैटरिंग ऑफ वेरियस कलर्स प्रेजेंट इन लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल्स. तो बच्चे इसको किस तरीके से समझना है, स्मॉलर साइज है अगर पार्टिकल्स का, स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या करेंगे, विल स्कैटर, विल स्कैटर कलर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. और बच्चे शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी रेंज में है, ब्लू, ब्लू कलर. आपको ये याद रखना है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा है. ब्लू की स्पीड कम है, उसकी स्पीड क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, छोटा. ऑलराइट, सो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स विल स्कैटर कलर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू. ओके, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता जाएगा, एज द पार्टिकल साइज इंक्रीजेस, एज द पार्टिकल साइज इंक्रीजेस, longer wavelengths जैसे कि red are scattered. okay, तो बच्चे जैसे जैसे wavelength बढ़ती जाएगी तो जो आपके colors जिनकी speed ज्यादा है वो scatter होंगे. okay, see अविनाश आपको एक चीज ये याद रखनी है, हमारे एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल का साइज है ना वो जनरली सूटेबल है फॉर ब्लू कलर. तो हमारे एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होता है, ब्लू, इसलिए मैंने लिखा है, मैं अपने एटमोस्फेयर के हिसाब से बोल रहा हूं. इज दैट क्लियर अविनाश, द पार्टिकल साइज इन आर एटमोस्फेयर जनरली वो किस कलर के लिए सूटेबल है स्कैटरिंग के लिए, ब्लू. हमारे एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर होता है. अविनाश इज दैट क्लियर, आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू अर्थ, अर्थ के एटमोस्फेयर. बताओ बेटा, इज दैट क्लियर अविनाश? ओके, आई डोंट थिंक सो, अविनाश इज एबल टू हेयर माई वॉइस. ऑल राइट, ठीक है. तो बच्चे आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू अर्थ, अर्थ के एटमोस्फेयर. अगर पार्टिकल साइज बढ़ेगा तो फिर रेड भी स्कैटर होगी, ठीक है ना. तो जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर स्कैटर होता है. अब बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग. स्कैटरिंग की क्या इम्प्लीकेशन है, स्कैटरिंग बच्चे जो है उससे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. जैसे सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में था, इसमें पहला है बच्चे अपीयरेंस ऑफ रेडिश सन एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट. आपने बच्चे नोटिस किया होगा, सी अविनाश आपको अगर आप अर्थ के रेफरेंस में लिख रहे हो तो आपको यही लिखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल साइज है वो इस तरीके से है कि ब्लू कलर ज्यादा होता है. अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर होंगी, अगर पार्टिकल साइज बढ़ता जाएगा तो रेड भी होने लग जाएगी, ठीक है ना. ऑलराइट, हम अर्थ के रेफरेंस में लिख रहे हैं. ओके, सो बच्चे इसमें जो पहला फिनोमेना आएगा, सन अपीयर्स, सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट. बच्चे आपने कभी सोचा है कि सनराइज या सनसेट के टाइम सन रेडिश क्यों दिखता है? डे टाइम में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता, डे टाइम में इट अपीयर्स येलोइश और व्हाइट, पर सनराइज या सनसेट के टाइम रेडिश दिखता है. अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे बच्चे स्कैटरिंग का फिनोमेना है. आई जस्ट शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ओके, यहाँ डायग्राम दिया ही नहीं हुआ है इन्होंने. ऑल राइट, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं. बच्चे लेट्स से दिस इज आर अर्थ और यहां हमारा सन है. अब बच्चे जब सन ने सनराइज या सनसेट के टाइम लाइट ऐसे ट्रेवल करके आ रही है तो यहां बच्चे जो एटमोस्फेयर का डिस्टेंस है, एटमोस्फेयर की अलग अलग लेयर्स आएंगी यहां, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो है,
पर स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करके आना है। और हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चे कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर होता है? ब्लू। और सबसे कम कौन सा स्कैटर होगा? रेड। तो बच्चे आपके पास जो कलर आ रहा है कौन सा कलर आ रहा है ज्यादा बिना स्कैटर हुए? रेडिश कलर। ओके, सो दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन सनराइज या सनसेट पे आपको कैसे अपियरेंस आएगी सन की? रेडिश। ओके, सो ड्यूरिंग सनराइज क्या हो रहा है या सनसेट पे क्या हो रहा है? ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग? ड्यूरिंग दिस टाइम सन इज लो इन होराइजन, सन इज लो इन होराइजन एंड लाइट हैज टू ट्रेवल, लाइट हैज टू ट्रेवल बच्चे शैडो ड्यूरिंग इक्लिप्स इज नॉट बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। शैडो तो बच्चे इट इज बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उधर क्या हो रहा है? मून या सन, मून या अर्थ जो है वो ब्लॉक कर देता है सन की लाइट, उसकी वजह से इक्लिप्स होता है। वो तो शैडो है, इट इज नॉट स्कैटरिंग। स्कैटरिंग है जो कलर्स हमें दिख रहे हैं। आराम, इज दैट क्लियर? इक्लिप्स तो बच्चे लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पे बेस्ड है, शैडो पड़ गई ना, शैडो तो अलग चीज है। ऑल राइट, लाइट के अंदर बच्चे बहुत सारे फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, देन स्कैटरिंग। ऑल राइट, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे हमें क्लियरली इनको समझना पड़ेगा। स्कैटरिंग का मतलब है जब हम कलर्स अलग अलग पाथ पे देख रहे हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम सन इज लो इन होराइजन एंड लाइट हैज टू ट्रेवल, लाइट हैज टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस। लाइट हैज टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमोस्फेयर। तो बच्चे क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम? एटमोस्फेयर में कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है? ब्लू। द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, वेयरएज जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, वेयरएज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर्स लाइक ऑरेंज, रेड रीच द ऑब्जर्वर। तो बच्चे ब्लू तो स्कैटर हो गया, वो तो निकल गया, तो कौन से कलर्स जो हैं वो सबसे कम स्कैटर हो रहे हैं? येलो, ऑरेंज, रेड, वो ऑब्जर्वर के पास आएंगे। इसी रीजन से हमें सन रेडिश दिखता है सनराइज या सनसेट पे। पर बच्चे ड्यूरिंग आफ्टरनून, ड्यूरिंग आफ्टरनून, आफ्टरनून टाइम में क्या होता है? सन इज डायरेक्टली अबव हेड, सन इज डायरेक्टली अबव द ऑब्जर्वर एंड हैज टू ट्रेवल लेसर डिस्टेंस। ठीक है, और लाइट को क्या करना पड़ता है? लेसर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एंड लाइट हैज टू ट्रेवल लेसर डिस्टेंस। तो बच्चे इसका क्या इफेक्ट होगा? Scattering will be very less. Scattering is very less. Scattering is less.
एंड सन अपियर्स ब्राइट व्हाइट. ओके बच्चे, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड है, सी बच्चे आपको क्या समझना है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो एप्रोप्रिएट है ब्लू कलर के लिए. तो जनरली ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है. तो बच्चे ब्लू कलर स्कैटर होके साइड पे निकल गया, और जो सबसे कम स्कैटर हो रहे हैं कौन से कलर्स हैं? ऑरेंज, रेड, येलो, जिनका वेवलेंथ बड़ा है. तो जब हमारी आईज के पास लाइट आएगी तो कौन सी लाइट ज्यादा आ रही है? ऑरेंज, रेड वगैरह. इसलिए हमें सन कैसा दिखता है? रेडिश ऑरेंज कलर का दिखता है व्हेन सन इज राइजिंग और व्हेन सन इज सेटिंग. पर बच्चे जब सन डायरेक्टली ओवरहेड है तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करना है सनलाइट को, और तब स्कैटरिंग भी कम हो जाएगी. इसलिए आपको सन कैसा दिखता है? ब्राइट व्हाइट. पुष्कर, इज दिस क्लियर नाउ? बच्चे रमन इफेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है. ओके ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द लाइंस. पुष्कर को लाइन समझ नहीं आई. लाइट हैज टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर. द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, वेयर एज लीस्ट स्कैटर्ड कलर्स लाइक ऑरेंज, रेड रीच द ऑब्जर्वर. तो बच्चे जो सबसे कम स्कैटर हो रहे हैं कौन से कलर है? ऑरेंज या रेड. वो ऑब्जर्वर के पास पहुंचते हैं. इसलिए हमें सन कैसा दिखता है? रेडिश ऑरेंज. इज दिस क्लियर नाउ? पुष्कर, इसका मतलब है कि रेड और ऑरेंज कलर पहुंचेंगे ऑब्जर्वर के पास. ओके और हमें ऐसा दिखाई देगा सन. ऑल राइट. उसके बाद है बच्चे स्काई अपियर्स ब्लू इन कलर. स्काई अपियर्स ब्लू इन कलर. Sky appears blue in color. क्यों? क्योंकि बच्चे ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है. Because the maximum scattering in the atmosphere. Scattering of blue color. Occurs in the atmosphere ठीक है ना. स्काई क्यों ब्लू दिख रहा है? क्योंकि बच्चे जो मैक्सिमम स्कैटरिंग है वो कहां होती है, कौन से कलर की होती है एटमोसफेयर में? दैट इज ब्लू कलर. तो उसकी वजह से क्या होता है? वो डिफ्यूज हो जाता है, और उसकी वजह से आपका स्काई क्या दिखता है? ओके I'll just underline here. देखो, the molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than wavelength of visible light. These are more effective in scattering of light of shorter wavelengths at blue end than light of longer wavelengths at the red end. तो हमारे जो बच्चे atmosphere के particles हैं वो blue color को ज्यादा efficiently scatter करते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है? When sunlight passes through atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red. The scattered blue light enters our eyes. If Earth had no atmosphere, there would have been no scattering and the sky would have looked black. Okay? सबसे ज्यादा जो color हमारे atmosphere में हो रहा है बच्चे वो क्या है? Blue है. उसी वजह से हमारे eyes की जो अंदर जो कलर हमें दिखेगा स्काई पे वो क्या है? ब्लू दिखेगा. अब बच्चे अगर आप आउटर स्पेस में चले जाओ वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तो बच्चे अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो या टीवी में देखा हो, आउटर स्पेस को कैसे हम दिखाते हैं, किस कलर में दिखाते हैं बताइए? ब्लू, ब्लैक, कैसे दिखाते हैं? ब्लैक. तो बच्चे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है. व्हाई आउटर स्पेस अपियर्स ब्लैक? रीजन, देर इज नो एटमोस्फेयर. और अगर एटमोस्फेयर नहीं है देर इज नो स्कैटरिंग, एंड इफ देर इज नो स्कैटरिंग यू विल नॉट सी एनी कलर्स.
बट इन आर एटमोस्फेयर एयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट विच स्कैटर ब्लू लाइट, और उसकी वजह से हमें अपना स्काई ब्लू दिखता है। बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाई क्लाउड अपीयर्स व्हाइट इन कलर, स्काई तो ब्लू है बट क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, तो बच्चे उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्लाउड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बच्चे वो सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं, और जब सारे कलर स्कैटर होंगे तो हमें वो ब्लू तो दिखने नहीं वाला, सारे कलर स्कैटर हो रहे हैं तो उससे हमें स्काई क्लाउड कैसे दिखता है, व्हाइट इन कलर। The cloud appear white in color because in them the particle size will scatter all the colors. This is the reason cloud appear white. Okay. अब यहां बच्चे एक बहुत important question दिया हुआ है आपको, देखो danger signals जो होते हैं they are red in color. बच्चे why do you think danger colors or signals को हम red color use कर रहे हैं, why not any other color? उसके पीछे बच्चे एक बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि बच्चे रेड कलर की स्कैटरिंग हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे कम है, तो अगर मान लो कभी फॉग हो गई एटमॉस्फेयर में, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर हम रेड कलर के अलावा कोई और डेंजर सिग्नल यूज करेंगे वो तो स्कैटर हो जाएगा, और हो सकता है वो आपको क्लियरली ना दिखे दूर से, तो अगर आप रेड कलर यूज कर रहे हो तो वो क्या होगा बच्चे, वो स्कैटर सबसे कम होता है और आपको वो दूर से ही विजिबल हो जाएगा। दिस इज द रीजन वी यूज रेड कलर एज डेंजर सिग्नल्स। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, ठीक है, चलो बच्चे यहां एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 11.3। बच्चे दिस एक्टिविटी इज एक्चुअली यूज टू स्टडी टिंडल इफेक्ट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें हम स्कैटरिंग और टिंडल इफेक्ट दोनों को पढ़ सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर यहां हम इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए यूज कर रहे हैं। बच्चे बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमें सेटअप बनाना है। एस इज स्टैंडिंग फॉर सोर्स ऑफ लाइट, यहां बच्चे हमने एक लेंस रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है जो बच्चे लाइट को पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर रहा है। अब बच्चे दिस इज द कंटेनर इन विच यू हैव सोडियम थायोसल्फेट, इसके अंदर हमने कंटेनर में क्या फिल किया है, सोडियम थायोसल्फेट, इसका सॉल्यूशन है सॉल्ट का। इसमें बच्चे हम क्या करेंगे, कंसेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। सो बच्चे वंस यू पुट कंसेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड इन दिस सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन क्या होगा, सल्फर पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, एंड बच्चे दिस सल्फर पार्टिकल्स They will form a colloid in the container. तो बच्चे once colloid is formed, और जब बच्चे light इसके through pass होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, scattering होगी light की। अगर आप बच्चे side से देखोगे तो आपको blue color दिखाई देगा, अगर आप container की side पे खड़े हो you will see blue color on the side of the glass tank। और बच्चे जो light वापस निकलेगी बाहर यहां स्क्रीन पे आपको बच्चे येलो रेड ये कलर्स दिखाई देंगे, रीजन इनकी स्कैटरिंग सबसे कम है, पर कंटेनर के अंदर जो आपका कोलॉइड बना है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लू कलर की लाइट है वो साइड में निकल जाएगी। सो फ्रॉम द साइड ऑफ द कंटेनर यू विल बी एबल टू सी डिफ्यूज्ड ब्लू कलर, बट ऑन द स्क्रीन विच कलर वुड बी फॉलिंग, येलो एंड रेड। Okay, so this activity is used for showing scattering of light. Very important activity. ये आपको passage based question या case study में भी आ सकता है. How will you show scattering of light? उसमें इसके ऊपर based आपसे question पूछे जा सकते हैं. Sodium thiosulfate solution हमने container में लिया. उसमें concentrated sulfuric acid डालेंगे. They will react to form sulfur particles, which will form a colloid. उसके अंदर बच्चे जब आप व्हाइट लाइट पास करोगे तो उधर स्कैटरिंग होगी, ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर्स यू विल सी ब्लू कलर, और लाइट जब आगे पास होगी इट विल फॉल ऑन द स्क्रीन, यू विल सी रेड एंड येलो कलर्स। तो बच्चे दिस इज हाउ यू विल ऑब्जर्व स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो बच्चे दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस एक्टिविटी क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस एक्टिविटी क्लियर? All right, ठीक है।
सो बच्चे आई थिंक दिस वॉज द लास्ट टॉपिक इन दी चैप्टर. ओके लास्ट टॉपिक था बच्चे ये हमारे चैप्टर का एंड वी आर थ्रू. तो बच्चे हियर वी फिनिश अप टर्म वन सिलेबस. टर्म वन का हमारा सिलेबस जो है बच्चे वो कंप्लीट हो गया है आज. ओके ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हमें एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑलराइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये तीन फिनोमेना है जो हमें करने थे एंड वी हैव कंप्लीटेड देम. ओके सो आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा. ऑलराइट सो बच्चे आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर. Next class, what we'll be doing is I'll be discussing some questions based on this chapter. Is chapter pe based kuch assertion reason ke questions, kuch case based questions jo hai, hum wo discuss karenge in the next class. All right. So please go through it, revise it through. Next class hum iske upar revision karenge. Agar aapke koi doubts honge to bache wo bhi hum pick up karenge. Is that clear, everybody? All right. Okay. So, bache, I'll be ending the session here. Next class, we'll be picking up some questions based on this.